तो दोस्तों हमारे घर वाले बोलते हैं ना सुबह उठो, पर हम अपने घर वालों की बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को नींद इतनी ज़्यादा प्यारी है ना हमारी जनरेशन को, जितना शायद कुछ और भी नहीं। तो आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठा और मेरा फ़ोन भी साइलेंट पे होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मुझे नींद में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो हाँ, आज ना मेरा पार्सल आने वाला है एंड उस पार्सल के लिए अब मुझे ना दूर जाना पड़ रहा है, जबकि वो यहीं आ गया था बंदा, उसने मेरे को 10 कॉल किए एंड पार्सल क्या है जानना चाहते हैं ना आप, तो वीडियो को एंड तक देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे रामपुर बाज़ार में। दोस्तों जो सतलुज का फ्लो है थोड़ा कम हो गया है, पहले तो इससे भी ज़्यादा था, और अगर यहाँ देखिए बड़ी मुश्किल से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल ही JCB ने जो है रास्ता साफ़ किया है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे थे। यहाँ देखो, यहाँ पे पीछे कर दिए सारे पत्थर। चलो चलते आगे को। तो दोस्तों मुझे ना बीच में एक बटरफ्लाई मिली है, बहुत ही प्यारी है देखने में। आपको एक फैक्ट बताता हूँ बटरफ्लाई के बारे में, देखो ना कितनी सुंदर होती है बटरफ्लाइज देखने में, बट ये लोग होते हैं ना जो बटरफ्लाइज होती है, ये ना अपना कलर नहीं देख सकते, अपने पंखों का कलर नहीं देख सकते, बट ह्यूमंस को खुश करती है। एंड हियर शी गोज, और हम भी चलते हैं। तो दोस्तों बंदे का कॉल आ गया मेरे को, वो ऊपर है ओल्ड बस स्टैंड में और मैं भी ओल्ड बस स्टैंड जा रहा हूँ। दोस्तों फाइनली आई गॉट द पार्सल, इसके लिए पता नहीं कितना ठुला हूँ मैं, इतना थक गया हूँ ना परे जा जा के। दोस्तों इस पार्सल को खोलेंगे रूम में जाके, तब तक मेरा थोड़ा काम है, बुक्स लेनी है थोड़ी सी, मतलब नोटबुक्स, एंड भूख भी लगी, खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं गया था खाना खाने गुफा रेस्टोरेंट में, और यहाँ का खाना था ना जो ओहो इतना लाजवाब खाना था ना, मज़ा ही आ गया था खा के, खाना खुना खा के और थोड़ा सा सामान लेके, किताबें वगैरह है जिसमें। अब मैं जा रहा हूँ वापसी, कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापसी रूम की ओर, निकलते जल्दी से। वैसे ना दोस्तों मैं ना रामपुर में चल के ही सफ़र करता हूँ और चल के ही मज़ा आता है, पर आज ना मेरा मन नहीं था थोड़ा, और मैं जल्दी भी आना चाहता था रूम की ओर, क्योंकि बाज़ार में तो ऐसा हो जाता ना सिर का दिमाग का दही, तो हाँ तो जल्दी आ गया मैं। एंड मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपके पास इस चीज़ का आंसर है, देखो ऑटो ना मतलब कि बहुत सारी जगह है हमारे पास अवेलेबल, जैसे रामपुर में भी है, बट रोडू और शिमला में क्यों नहीं है, बल्कि शिमला तो हमारी कैपिटल है, वहाँ पे क्यों नहीं है, अगर आपके पास इसका आंसर है तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम में, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।